वर्ष 2021 की नवरात्रि झूला संचालकों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। उनकी उम्मीद थी कि कोरोना काल के कारण बरसों से बंद पड़े झूले कहीं ना कहीं इस नवरात्रि तो चलेंगे, और इसी उम्मीद के साथ भोपाल के बिट्टन मार्केट में लगने वाली एक बड़ी झांकी में अपने बच्चे कुचे धन का उपयोग करके बड़े बड़े झूले वहां पर लगाए। लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना चलने दी और कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए उन्होंने झूलों को बंद रखा। इससे बड़ा नुकसान इन झूला संचालकों को झेलना पड़ा। हमने समाचार अड्डा के एक दोस्त और झूला संचालक अमन उर्फ गुरु से बात की थी। उनसे जानने की हमने कोशिश की थी कि कोरोना के कारण झूले बंद होने से उनको और उनसे जुड़े लोगों को किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज इस चर्चा को हम आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता लग सके कि कोरोना के कारण कितनी समस्याएं इन लोगों को अब तक झेलनी पड़ रही हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। समय बड़ा बलवान है, ये कब किस पर हावी हो जाए किसी को पता नहीं। लंबे अरसे से इसी समय की चपेट में घूम रहे झूला संचालकों से हमने जानने का प्रयास किया कि वर्तमान स्थिति क्या है और किस प्रकार की मदद वो सरकार से चाहते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका समाचार अड्डा पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरु झूला वाले। गुरु हमारे समाचार अड्डा के दोस्त हैं, और झूला वाले नाम जो इन्होंने अपने फेसबुक पर बना के रखा है उसके पीछे क्या कारण है आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गुरु, ये नाम शुरुआत से ही ऐसा है या फिर खुद ने तुमने ये नाम बना लिया? ये मतलब मेरे क्या है, झूले चलते हैं तो अभी तो बंद है कोरोना काल में, दोस्त झूले चलते थे तो दोस्त लोग सब कहने लगे कि गुरु झूला झूला झूला, तो ऐसे ही फिर मेरा नाम चल गया गुरु झूला वाले, तो फिर मैंने अपना नाम गुरु झूला वाले ही रख लिया है। कितने झूले हैं आपके पास और कितनी लेबर, कितने लोग आपके साथ, कितने परिवार, उसके माध्यम से कितने लोगों का गुजर बसर होता था? गुजर बसर समथिंग आप समझ लीजिए 20 से 30 लोगों का, और झूले 7 से 8 झूले हैं। जैसे कि सभी लोग झूले से ही अपना पालन पोषण करते थे अपने परिवार का, पर वो भी अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि झूला बंद है कोरोना काल से। जब से कोरोना आया है तब से नहीं लगे हैं, 2 से 2.5 साल हो चुका है कोरोना काल, जब तक अभी भी है, जहाँ तक कि अभी भी कोई अनुमति नहीं दी जा रही है हम लोगों को, ताकि सभी जगह अनलॉक हो गया है और सभी जगह कार्यक्रम दिख रहे हैं, सभी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, पर ऐसा हमारा ही एक व्यापार है जो अभी तक चालू नहीं किया गया और कहीं भी हमें मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अभी फिर इतने 2.5 साल से अभी जो कोरोना काल निकला है उस दौरान आपने अपने घर का पालन पोषण करने के लिए किस प्रकार की आपकी कार्रवाई रही, आपने क्या क्या किया? अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, जैसे तैसे यहाँ वहाँ से करके हमने अपने घर का पालन पोषण किया और पालन पोषण अभी भी कर रहे हैं। स्थिति बहुत ही गंभीर है। गुरु ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो सरकार से अपील कर रहे थे कि उनके झूलों को चालू करने के लिए भी अनुमति दी जाए, तो इसकी वजह से आज हम इनसे जानने हुए आए हुए थे। अभी हम देख पा रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति में पड़े हैं। ऐसे हमेशा ही बने रहते हैं या फिर ये रखे रखे ऐसे हो गए? जिंदगी में पहली बार देखा है मैंने ऐसा, अपनी पहली बार मतलब ऐसा हुआ है हमारे झूले ऐसे पड़े हैं, नहीं तो 12 महीने ही चलते रहते थे। और हम लोग छोटे कस्बा गांव और बड़े बड़े जिलों में भी मेला लगाते थे, झूले लगाते थे अपने, MP और MP से बाहर भी मेला लगाने जाते थे। जैसे कि सभी के व्यवसाय चालू हो गए हैं और हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने जाकर आवेदन भी दिए हमारे SDM महोदय जी को, और भी बहुत जगह हमने वो आवेदन दिए, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो जब तक हमें अनुमति नहीं मिलेगी ऐसे ही हम परेशान रहेंगे, और सरकार से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि हमें अनुमति दी जाए। जैसे सबका व्यवसाय चालू हो गया है और सबके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, ऐसे हम लोग भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो हमारे साथ ये झूला पर जिम्मेदारियां संभालने वाले एक और संतोष साहू जी मौजूद हैं। कोरोना के बाद अब तक झूले बिल्कुल चालू ही नहीं हुए हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है साहू जी, और क्या उम्मीदें आपको सरकार से हैं? मुझे यही उम्मीद है
के झूले चालू करवाएँ और हमारी हार्दिक स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है। हमारे मतलब जो है जितने भी साथे हैं उससे सबका मतलब गुजारा होता था, लेकिन जब से कोरोना काल आया है तब से झूले 2 साल से नहीं लगे। अभी मतलब हम इतने वजह से सेटिंग करके मतलब घर चला रहे हैं परिवार, और मुझे यही गुजारिश है कि झूला चलाने की अनुमति दें। महामारियां जब आती हैं तो अपने साथ एक बड़ी तबाही लेकर आती हैं, जिनसे उबर पाना काफ़ी समय तक नागरिकों के लिए एक समस्या बनी होती है। ऐसी ही समस्या झूला संचालकों और उनके साथ चलने वाले लोगों के साथ बनी हुई है। समाचार अड्डा की आज जिम्मेदारों से ये अपील है कि इन लोगों की परेशानियों को समझें और जो यथासंभव जो स्थिति तैयार हो सके, इनके पक्ष में जो चीज़ें आ सकें वो तैयार करें, जिससे कि इनके परिवारों का पालन पोषण हो सके और जिस देश को प्रदेश को खुशहाल बनाने की उम्मीद हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं वो हो सके। समाचार अड्डा से सौरभ तामेश्वरी, कैमरे पर मेरे साथ मौजूद हैं देव विश्वकर्मा। धन्यवाद।